अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे पालक पूरी, स्पिनच पूरी। इट्स वेरी हेल्दी एंड इजी रेसिपी। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है। सबसे पहले एक बड़ा परात लीजिए, प्लेट लीजिए। उसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा, ऑल पर्पस फ्लार, 1 टेबलस्पून सूजी, रवा डालिए, 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक, 1 टेबलस्पून ऑयल, तेल। पालक की प्यूरी बनाकर ले लीजिएगा। 1/2 कप प्यूरी मैंने ली है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें अपनी प्यूरी डालते जाएंगे पालक की, और उसको अच्छे से गूंदेंगे आटे के जैसे। उसको गूंद के लीजिए। गूंदे हुए आटे को ऊपर से थोड़ा सा हल्के हाथ से ऑयल लगाइए, उसको ग्रीस करके ले इस तरह से। कवर करके इसको ढककर रखिए 15 मिनट्स के लिए, फूलने के लिए। आफ्टर 15 मिनट्स लेटर आप वापस से उसको 2 मिनट के लिए अच्छे से गूंद के लीजिए। इसका एक लॉक बनाइए इस तरह से। 5 इक्वल पार्ट्स में आप इस तरह से उसको पहले कट्स मार के लीजिए। अब इसकी हम स्मॉल स्मॉल बॉल्स बना के लेंगे। इस तरह से आप उसके बॉल्स बनाकर रेडी करके ले लीजिए। टोटल मैंने यहाँ पर 5 बॉल्स रेडी करके ले लिए है। एक डो बॉल लीजिए, उसको रोटी टाइप आप राउंड शेप में सर्कल बना कर ले लें। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा मोटा रखिए, एकदम भी पतला ना करिए। उसके अब बीच में से नाइफ से हम 4 पार्ट्स में इक्वली कट करके लेंगे। आप चाहे तो उसको राउंड शेप में छोटी छोटी पूरियाँ भी बना सकते हैं, पर मैं ऐसे ही बनाती हूँ जो जल्दी और झटपट बनती है। ऑयल को प्री हीट करके लीजिए, हम डीप फ्राई करने वाले हैं। 1 बाय 1 करके पूरियों को फ्राई करके ले लीजिए। ये देखिए कितनी अच्छे से फूली है। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने पर आप उनको बाहर निकाल के ले लीजिए। अ डिलीशियस एंड हेल्दी स्पिनच पूरी, पालक पूरी इज रेडी नाउ। गर्मा गर्म इसको सर्व कीजिए अपने पसंद की ग्रेवी के साथ। सबसे पहले हमारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। डिलीशियस।